फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के जो व्लॉग में मैं आपको घुमाने ले चलती हूँ एक एग्जीबिशन में। ये जो न्यू सीजी रोड है अहमदाबाद में, वहाँ पे लगा हुआ था चांदखेड़ा में। सो इसकी जो एंट्री थी वो फ्री थी, एंड इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 10:30 से लेके रात को 9:30 बजे तक है। ये इसके अंदर का व्यू था कि यहाँ पे बच्चों के लिए जो है तरह तरह की राइड्स लगी हुई थी, झूलने का था और ये जो जंपिंग वगैरह है बच्चे आराम से इंजॉय कर सके, तो बहुत सारा था। और यहाँ पर जिया लगी है खेलने में बीजी और झूल रही है और मस्ती कर रही है। सो मैं आप लोगों को ले चलती हूँ, तब तक यहाँ के जो सराउंडिंग में चीज़ें पहले वो दिखा के लाती हूँ। सो यहाँ पे जो था ये सेल लगी हुई थी, यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग जो है सामान खरीद सकते थे लोग, कपड़े वपड़े थे। ये क्रॉकरी का सामान था सारा, और ये जो देख रहे हैं आप लोग ये वैसे जो नहीं होते सड़कों पे उस टाइप की कोई सेल थी, भाई कोई लेना चाहे तो ले सकता है। और अभी हम लोग अंदर चलेंगे तो अंदर का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बहुत ही प्यारे प्यारे किचन वेयर थे, किचन का सामान जो था बहुत सुंदर सुंदर चीनी मिट्टी का, बहुत प्यारे प्यारे डिजाइंस में। सो आप लोग देख लीजिए ये, एंड ये है इसका एंट्री। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, हर छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे मिल रही थी, तो आगे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी क्या क्या था। सो जो फर्स्ट शॉप थी ये अगरबत्ती धूप वगैरह थी उनकी, एंड यहाँ पे ये भैया ने जो है जो इयरिंग्स वगैरह होते हैं, नेकलेस वगैरह होते हैं, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी सब थी। और यहाँ पे जो है बाहर का मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया था कि जिया ने कैसे एंजॉय किया है, तो जिया ने फुल एंजॉय किया, बहुत मस्ती की बच्चों के साथ में और अकेले अपने झूल रही आराम से, उसको आने का भी मन नहीं हो रहा था। तो इसके पापा थे इसके साथ में और मैंने जो है सराउंडिंग जो एरिया है वो सब देख लिया था। सो आप लोग इसको देखिए एंड फिर अपन चलेंगे अंदर डिटेल में, आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी, विद प्राइस भी मैं कुछ कुछ चीज़ों का बता दूंगी। वैसे ठीक था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ज़्यादा सस्ता भी नहीं था, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी जो बहुत सस्ती थी इन कंपैरिजन मार्केट। सो चलिए गाइस, अपन चलते हैं अब अंदर। अगर मैं आप लोगों को इसका बाहर से, एकदम बाहर से अगर मैं बताऊँ, आपको व्यू दिखाऊँ, तो कुछ ऐसा सा मार्केट लग रहा था। फेयर नहीं होता गांव में उस तरीके का फेयर जैसा था। और ये जो शॉप थी ये भैया ने लगाई है, एज मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सेट्स हैं। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है दुकानों की, तो आप लोग देख रहे हैं सराउंडिंग में हर एक चीज़ की दुकान है। ये जो होते हैं रत्न वगैरह कपड़ों की, कॉटन के कपड़े बहुत मिल रहे थे, और ये यूज़ सामान नहीं था कि भाई किसी ने यूज किया हुआ है, नहीं, इनके ऊपर टैग्स लगे हुए थे। और ये देखिए कितना सारा सामान है, सब तरीके का सामान मतलब एक ही जगह पे अवेलेबल हो रहा था, एकदम मेले के जैसे। ये लड़कियों के लिए कितने प्यारे प्यारे हेयर बैंड्स वगैरह हैं, ड्रेसेस वगैरह थी, यहाँ पे भी सेल थी, 2 पीसेस 500 में मिल रहे थे। और ये देखिए सराउंडिंग में कॉटन के कपड़े, कॉटन की कुर्तियाँ, कॉटन के सूट्स हैं, बहुत सारा सामान था। और इनका भी कुछ प्राइस ज़्यादा नहीं था, 350, 400, 500 के समथिंग था। और ये सारे जो मसाले होते हैं, मुखवास वगैरह होते हैं, वो हैं ये सब। और यहाँ पे कॉटन के सूट्स की वो लगी हुई है, और यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही थी कपड़ों के ऊपर, मग्स के ऊपर। ये साड़ियों की शॉप थी, एंड मतलब लड़कियों का सामान ज़्यादा था कि लड़कियों के कपड़े, अलग अलग तरीके के बच्चों के कपड़े, बहुत सारा सामान। एंड ये कारपेट्स वगैरह की शॉप है, कालीन वगैरह जो होते हैं, ये डेकोरेशन का सामान था, घर में लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए। और ये भगवानों की जो बड़ी बड़ी सीनरियाँ होती हैं वो थी। सो इनका प्राइस भी सही था, मैंने पूछा था। एंड ये देखिए आप लोग, ये भैया जो है सेल कर रहे थे, कुछ बता रहे थे कि इस तरीके से आप बना सकते हैं कोई सामान। टॉय शॉप थी बच्चों के लिए, अभी ये बना के दिखा रहे हैं, कोई मसाला बेच रहे थे ये। सो इस तरीके से बनाया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे सब लोगों को वहाँ पे कि जल्दी बन जाता है। और ये बच्चों के लिए खूब सारे टॉयज़ की शॉप्स हैं। और ये चश्मे थे, चश्मे का जो प्राइस था वो 150 के अराउंड था सबका, 150 और 200 के बीच में था, बहुत अच्छे चश्मे थे। और ये देखिए सेल लगी हुई है, यहाँ पे अचार मिल रहा है, मतलब ये एग्जीबिशन बोल लीजिए, ट्रेड फेयर जैसा था। मेकअप का सामान भी यहाँ मिल रहा है, सब तरीके का सामान मिल रहा था। ये देखिए घर में जो स्नैक्स हम यूज़ करते हैं खाने के टाइम के लिए, गुजरातियों के जो होते हैं वो सब चीज़ें। और यहाँ पे जो ये टॉय शॉप है ये बहुत सस्ती लगी मुझे, हर एक जो खिलौना था बच्चों के लिए 70 रुपीज़ का था, कोई भी ले लो 70 रुपीज़ का।
तो सब सामान था बच्चों का भी, और जो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये 30 रुपीज़ पर आइटम था, और दूसरी तरफ जो बड़े टॉयज़ है वो 70 रुपीज़ पर आइटम है। और जिया ने इतने सारे टॉयज़ ख़रीदे ना, ये तो अपने पूरे टोकरी लेके उसमें डालती रही, बहुत सारे टॉयज़ इसने लिए घर पे, खूब सारे टॉयज़ लाई। बबल मेकर तो इसका फेवरेट होता है, कहीं पर भी जाए बबल मेकर लेके आती है। और यहाँ पे जो प्लास्टिक का सामान होता है किचन के लिए वो सब सामान था यहाँ पे सारा, ये भी सस्ता था, 20-30 रुपये में सब मिल रहा था। और उसके बाद में जो है आगे जाके मिलेंगी बुक्स, हर तरीके की बुक्स थी बच्चों के लिए, बहुत सारी बुक्स थी, बुक फेयर भी था, और पर केजी मिल रहा था 200 पर केजी। हाँ जी, और ये जो था ना लकड़ी का सामान ये महंगा था, हमने एक चेयर का रेट पूछा था वो 7000 की थी जो ये दिख रही है ना ये, बट ये अच्छी लकड़ी बता रहे थे 7000 की एक चेयर, तो हमने नहीं ली। और सामान घर में जचा सकते हैं, अच्छा अच्छा सामान जो एंटिक पीस होते हैं वो सब भी थे यहाँ पे। सो मैं आपको पूरा टूर करा के लाई हूँ बाहर, मतलब मैंने बाहर से स्टार्ट किया था एंड अंदर का पूरा दिखाया है। सो रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं था। सो अब लोग हम लोग आ गए थे बाहर, अभी घर जाने का टाइम आ गया था। सो गाइस हम लोगों ने पूरा ये ऑलमोस्ट देख लिया। सो मैं जा रही हूँ अभी घर। फू करो। मुझे बताना आपको कैसा लगा, इसकी लोकेशन मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे है, तो आप लोग अगर अहमदाबाद से हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, सब कुछ देख रहे हैं हम, चकाचौंध हो रखे हैं पूरे तरह। रुक जाओ। अच्छा लगा। अभी गोला खाने चले अपन, आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम। ग्रीन वाली आइसक्रीम, पिस्ता वाली। ये भी मैडम कम थोड़ी है। सोडा सोप फुल ऑफ जिंजर है। आपको वीडियो कैसी लगती है हमारी? एक नंबर मैडम, एक नंबर लगती है। थैंक यू भैया। ये भैया की सोडा सोप है, कोई आना चाहे यहाँ पे बहुत अच्छा बनाते हैं। मोटेरा स्टेडियम के पास, मोटेरा स्टेडियम के जस्ट पास में। भैया नाम क्या आपका? रोहित। हाँ रोहित भैया नाम है इनका। कोटेश्वर रोड पे और स्टेडियम के पास, हाँ इनकी शॉप है ये। और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हमारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। जी आ तो सो गई है। आप पीछे स्ट्रांग हो, इसके आपके लिए स्ट्रांग ही बनाऊंगा ना। पासवर्ड बोल। सो गाइस हम लोग गए थे मार्केट, मैंने हम लोग आइस का गोला खाने गए थे और कहीं और ही पहुंच गए, इतनी मस्ती करके आए। ये देखो जिया का डियर गुस्सा कर रहा है। सो गाइस हम लोग आइस का गोला खाने गए थे, उसके साथ साथ वहाँ पे कोई जैसे ट्रेड फेयर नहीं होता ऐसा ही कोई कुछ एग्जीबिशन लगा हुआ था, हर सब चीज़ें थी। सो आपने वो मेरी वीडियो में देखी है। तो हमने खूब मस्ती करी, खूब खाया पिया और मैंने वीडियोस बनाई, शॉपिंग भी करके लाई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो ये ब्लॉग में आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। सो गाइस जिया क्या क्या खरीद के लाई है बताओ, क्या क्या लाए हो आप? ये डियर लाए, और क्या लाए पापा ने? क्या लिया? बबल मेकर। और क्या लिया अंकल की शॉप से? क्या लिया आपने? स्लाइम लिया। कौन से कलर का? इसने ब्लू कलर का स्लाइम लिया है, बबल मेकर लिया है एंड ये डियर लिए है। सो हम लोगों ने खूब मस्ती करी। सो गाइज आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और जो एग्जीबिशन में हम लोग गए थे वो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। मैंने शॉपिंग की है, आप लोग भी जा सकते हैं, वो मैं आपको एड्रेस बता दूँगी।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ पे भी ज़रूर विजिट करिएगा। बहुत अच्छा लगा है यार, मतलब वन टाइम विजिट तो है, मज़ा आ जाएगा वहाँ पे। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सब्सक्राइब अवर चैनल, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग।